नमस्कार। आज इस वीडियो में हम दंत धोती और दंत मूल धोती देखेंगे। यह दोनों सिंपल योगिक क्रियाएं हैं। इसके लिए हमें जो है एक पानी चाहिए, एक ग्लास में साफ सुथरा पानी, एक बोल चाहिए और नैपकिन चाहिए। यह क्रिया जो है हमें प्रेफरेबली सवेरे मॉर्निंग में खाली पेट करनी है, या जब भी हमारा पेट खाली है तभी करनी है। इसके लिए हमें अपने जो नाखून है वह नाखून काटने हैं और उसे ट्रिम करना है बराबर से, और फाइल से उसे साफ करना है। अब यह क्रिया शुरू करने के पहले हमें अपने हाथ जो है उसको धोना है और साफ करना है, और फिर अपने टॉवेल से उसे जो है पोंछ लेना है। तब आपको जो है आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको टूथ पाउडर, पेस्ट या तिल ऑयल लेना है, और फिर राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है या मिडल फिंगर है उसे आपको जो है टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो आपने लिया है उसे आपको हाथों को लगाना है, फिर आपको रब करना है टीथ के अंदर, इनसाइड और आउटसाइड, और अप एंड डाउन। दूसरे साइड से भी आपको ये करना है, इनसाइड आउटसाइड अप एंड डाउन, इनसाइड अपसाइड अप एंड डाउन। फिर जो फ्रंट साइड है वहां पर भी आपको जो है रब करना है, और अप एंड डाउन, और आपको रब भी यहाँ पर अप डाउन और रब भी करना है। अब आपको अपने हाथों को धो लेना है, और आपको यहाँ पर गार्गल करना है। हमने देखा दंत धोती, अब हम दंत मूल धोती देखेंगे। दंत मूल धोती जो है इसमें जो हमारे जो मसूड़े है उसकी हम मालिश करते हैं। अब यह जो है यह किसे नहीं करना है, जिनको ब्लीडिंग या स्वेलिंग है गम्स में या पेनफुल गम्स है उन्हें यह नहीं करना है। और हमने शुरुआती में भी देखा दंत धोती, जिनको पेनफुल टीथ है, ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है गम्स है, मतलब हमने देखा कि ये दोनों को कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो दोनों का सेम है। अब दंतमूल धोती करने के लिए हम जो हमारा गम है उसे हम मालिश करने वाले हैं, उसको मिल्किंग एक्शन करने वाले हैं। इस तरह से आपको जो आपका थंब है और इंडेक्स फिंगर है उसे लेना है, फिर आपको ऊपर वाला जो टीथ है उसे गम है उसे आपको इस तरह से मिल्किंग एक्शन करना है। आप देख सकते हैं फिर जब आपका ऊपर वाला हो जाएगा तब आपको नीचे वाला जो है गम्स उसको भी आपको इस तरह से मिल्किंग एक्शन करना है अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से। जब आपकी ये प्रक्रिया हो जाएगी तब आपको अपने हाथों से हाथ साफ करना है, हाथों से मतलब धो लेना है, और यहां पर गार्गल करना है। इसके लाभ क्या है हमने देखा, दंत धोती और दंतमूल धोती के लाभ क्या है। आपके जो टीथ और गम्स है यह इससे हेल्दी बनते हैं, गम्स के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें सुधार आता है, हम जो च्यूइंग एक्शन है वह इजी हो जाती है, एंजॉयबल हो जाती है, और इससे हम जो है उसके कारण हमें इनडायरेक्टली डाइजेशन में फायदा मिलता है।
अगर बैड ब्रेथ है या फॉल्स स्मेल है, बदबू आ रही है, तो फिर वह भी इससे वहाँ पर भी हमें इसका लाभ मिलता है। और अगर टीथ पे इनेमल है, इनेमल कवरिंग ऑफ टीथ, वो प्रोटेक्ट होता है और हमारा ओवरऑल डेंटल फोनेटिक्स जो है वह इम्प्रूव होता है। धन्यवाद।